I'm extremely very thankful. 2021 में I became the youngest judge, history की सबसे youngest judge at the Miss Universe, जहाँ पे मैंने इसराइल के प्रधानमंत्री को भगवत गीता भी गिफ्ट की थी. और आज 2024 में दोबारा my return as a judge at the prestigious Miss Universe India 2024. मैं उन सभी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. All my mentors, मेरे शुरुआत से जब मैं टीनेजर थी, राइट फ्रॉम डायना हेडन मिस वर्ल्ड जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, उसके बाद सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स लारा दत्ता, मैं इन सभी के बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने, उनकी वजह से आई थिंक इंसान को कभी अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए, जिनके वजह से वो आज यहाँ पर पहुँचा हो. उसी I would love to credit all these three amazing women, not just these three, my mother, Mrs. Meera Rautela, and all my family members and everybody out there, ki jinhone, because I don't think so ki main just apni wajah se is mukam pe yahan pahunchi hu. I really feel ki ek combination hai, itne sare sabhi logo ka aashirwad hai, aur I'm very very grateful. और मेरी नज़र में जितनी भी गर्ल्स आज पार्टिसिपेट कर रही हैं, सभी विनर्स हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट. मेरी नज़र में द गर्ल हैज़ टू बी वेरी ओवरऑल पैकेज. एक ऐसी लड़की जो मिस यूनिवर्स में जब रिप्रेजेंट करे तो बहुत ही अच्छे से हमारे देश का नाम बहुत रोशन करे. और साथ ही साथ आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सनैलिटी, अ ओवरऑल पैकेज, अ गर्ल हु इज़, बिकॉज मिस यूनिवर्स का ताज जीतना सिर्फ एक क्राउन ही नहीं है, उसके आगे इट्स वे बियॉन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एंड आई थिंक शी द गर्ल हैज़ टू बी लाइक ओवरऑल पैकेज.